सो टुडे आई एम डिस्कसिंग फ्रैंक कॉन्डेन प्रिंसिपल. ठीक है, सो दीज आर टू इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड यू नो दिस इज़ अ मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व इन द ग्राउंड स्टेट. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ई जीरो एंड दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. हेयर इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ई वन एंड इन द एक्स एक्सेस देयर इज़ अ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एंड इन द वाई एक्सेस देयर इज़ अ एनर्जी. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल है इट इज़ मेड अप बाई डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल. सो दीज आर वाइब्रेशनल लेवल वैन वी इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. एंड दीज आर वाइब्रेशनल लेवल ऑफ मॉलिक्यूल इन द एक्साइटेड स्टेट. हेयर वी 0, V1, V2 दैट इज़ वाइब्रेशनल लेवल इन द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट. ओके, हेयर आई एम नॉट रिप्रेजेंटेड द रोटेशनल लेवल. वाइब्रेशनल लेवल्स आर फर्दर मेड अप बाई रोटेशनल लेवल. ठीक है, तो when light falls in a molecule then molecule goes from the ground state to the excited state, means it from this e0 to e1. ठीक है, लेकिन क्या है, देखो यदि क्या होता आपका ये जो इलेक्ट्रॉनिक लेबल है ये और ये, ठीक है, दिस इज e0 एंड दिस इज e1. तो यदि इनमें सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन होता, इट मीन्स मॉलिक्यूल में यदि एनर्जी पड़ती तो मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होता, तो क्या होना चाहिए था आपका, जो हमें स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था उसमें सिर्फ एक बैंड मिलना चाहिए था, वो भी जितना इन दोनों का एनर्जी गैप है. सपोज़ देयर इज़ अ एनर्जी गैप, सपोज़ मान लेती हूँ कि एक्स का था, ठीक है, एक्स एनर्जी लेके यहाँ से यहाँ पहुँचा. ठीक है, तो जो हमें स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए था वो हमें सिर्फ एक लाइन स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए था, लेकिन जो इमिशन स्पेक्ट्रा मिलता है वो क्या मिलता है आपका, इस तरीके का मिलता है. ठीक, इसका क्या कारण है, इसका ये कारण है कि जो जब अब क्या होता है आपका ट्रांजिशन होता है तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि वी इज इक्वल टू 0 to V = इसके 0 में चला जाए, वी इज इक्वल टू 0 to V1 में चला जाए, V2 में चला जाए, V3 में चला जाए, और इनके भी क्या है फर्दर रोटेशनल लेबल है, तो इसके रोटेशनल लेबल से इसके रोटेशनल लेबल में पहुंच जाए. ठीक है, तो क्या है, डिफरेंट ट्रांजेक्शन फॉलो मतलब पॉसिबल है. कब, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम E0 to E1, मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा तो डिफरेंट ट्रांजेक्शन पॉसिबल है, एक ही मतलब एक ही स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में. ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे सपोज 0 to 0 गया तो एक लाइन मिली, फिर 0 to 1 गया दूसरी लाइन मिली, 0 to 2 गया तीसरी लाइन मिली, चौथी लाइन मिली, पांचवी लाइन मिली, तो जब ये सब मिलाएंगे तो क्या मिलते हैं हमें, बैंड्स से मिलते हैं. ठीक है, और वो जब बैंड्स मिलाएंगे तो हमें क्या मिलता है आपका, एक कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलता है. इसलिए जिस समय हम क्या करते हैं पढ़ते हैं तो उस समय हमें कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलता है इंस्टीड ऑफ अ लाइन. लाइन कब मिलता, जब ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेट क्या होता है फर्दर डिवाइड नहीं होते, मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन सीधे यहाँ जंप कर रहा होता उस केस में तो हमें सिर्फ एक लाइन मिलती. ठीक है, लेकिन क्या होता है हमें लाइन की जगह पर बैंड्स मिलते हैं या स्पेक्ट्रा पूरा कॉन्टीन्यूअस होता है. इसका कारण क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है हम पहले भी पढ़ चुके हैं डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल और आपका इलेक्ट्रॉनिक रोटेशनल लेवल से मिलकर बना है. तो फ्रैंक कॉन्डेन प्रिंसिपल आएगा तो सबसे पहले तो हमने यही डिस्कस करना है कि किस तरीके से आपका जो मोर्स एनर्जी कर्व कैसा होता है और किस तरीके का ट्रांजेक्शन होता है यहाँ से यहाँ ट्रांजेक्शन होता है. ठीक है, और प्रिंसिपल सिर्फ इतना कहता है कि क्या कहता है, जिस समय क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होता है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाता है, तो जो टाइम क्या होता है आपका रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजेक्शन वो इतना क्या होता है स्मॉल होता है, मतलब इतने जल्दी यहाँ से यहाँ ट्रांजेक्शन होता है कि जो जो भी मॉलिक्यूल है वो एटम से मिलकर बना होगा तो इनका जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं आता. जितना डिस्टेंस ट्रांजेक्शन से पहले होगा ट्रांजेक्शन के बाद भी ट्रांजेक्शन डिस्टेंस उतना ही होता है. समझ में आ रहा, तो यही फ्रैंक कॉन्डेन प्रिंसिपल कहता है कि जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उसमें क्या होता है अनचेंज्ड रहता है, इट मीन्स उसमें कोई चेंज नहीं आता जिस समय क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होता है. तो फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन शुड बी सो स्मॉल दैट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस रिमेन अनचेंज्ड. सिर्फ यही फ्रैंक कॉन्डेन प्रिंसिपल है. इट मीन्स प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि मॉलिक्यूल को वाइब्रेट कब होगा, देखो जब इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस कब चेंज होंगे, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं तो जिस समय क्लोज आएंगे तो क्या होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाएगी,
दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी, और जब वाइब्रेट करके क्या हुआ, वाइब्रेट ऐसे तो होता है ऐसे ऐसे जैसे स्प्रिंग की तरह वाइब्रेट हो रहा है मॉलिक्यूल, समझ पा रहा? तो जब क्लोज आएंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगी, फार जाएंगे तो डिस्टेंस दूर जाएगी। लेकिन फ्रैंक कॉन्टन प्रिंसिपल ये कहता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होता है इतना कम समय लगता है कि जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो क्या होती है आपकी फिक्स हो जाती है, समझ पा रहा? ठीक, तो ये है आपका फ्रैंक कॉन्टन प्रिंसिपल। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर को बोलते हैं फोटोकेमिकल स्टेजेस हैं जिसमें कि हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक बात करते हैं क्वांटम यील्ड की, ठीक है? क्या चीज़ है, देखो ये क्वांटम यील्ड मतलब क्या हुआ, यील्ड मतलब हुआ ना कितना प्रोडक्ट बना, कितना हमने अमाउंट लिया, कितना हमें प्रोडक्ट मिला, वो आपकी यील्ड हुई, ठीक है? लेकिन क्वांटम के यदि क्वांटम यील्ड की बात की हम करते हैं तो उसमें क्वांटम यील्ड को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। फाई इज इक्वल टू है कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं एट अ गिवन टाइम और कितने क्वांटम एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं, ठीक है? उस समय में कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर समय में कितने क्वांटा ऑफ जो ये फोटॉन्स है वो एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं, इन दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज क्या होता है आपका क्वांटम यील्ड। सो क्वांटम यील्ड फाइ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम अपॉन नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब इन द सेम टाइम, ठीक? यदि हम इसको मोल टर्म्स में बात करें तो फाइ इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम, और नंबर ऑफ क्वांटा यदि हम मोल्स में लेते हैं तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ आइंस्टीन, ओके? तो अपॉन नंबर ऑफ आइंस्टीन एब्जॉर्ब इन द सेम टाइम्स, दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं और क्वांटा नंबर ऑफ क्वांटा की बात कर रहे हैं, बट हम जब मॉलिक्यूल्स को क्योंकि हम जब रिएक्शंस करते हैं ज़्यादातर मोलर कंसंट्रेशन की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, तो यदि हम मोल्स की बात कर रहे हैं तो नीचे नंबर ऑफ आइंस्टीन हो जाता है, वेयर वन आइंस्टीन इज इक्वल टू होता है वन मोल ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन, बात सेम ही है, ठीक हो गया? अब क्या होगा, देखो माना दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, दो क्वांटा एब्जॉर्ब हो रहे हैं, दो फोटोन एब्जॉर्ब हो रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, इट मींस क्वांटम यील्ड कितनी हो जाएगी आपकी 2/2 इज इक्वल टू 1, तो क्वांटम यील्ड 1 भी हो सकती है, कोई इंटीग्रल नंबर 2, 3, 4 भी हो सकता है, क्वांटम यील्ड लेस देन 1 भी होती है, काफ़ी कम भी होती है, 10^-2 तक भी होती है, और क्वांटम यील्ड बहुत हाई भी होती है, 1 से ज़्यादा भी होती है। हाई कितने तक देखी गई, 10^6 क्वांटम यील्ड आ रही है, और सबसे जो मतलब लो कहाँ तक देखी जाती है 10^-2 लो भी है और 10^6 हाई भी है, ठीक है? अब यदि देखा जाए हमने फोटोकेमिकल के दो लॉस पढ़े थे, एक में क्या कहा था फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ और दो लॉस पढ़े थे हमने, इसमें ग्रोथस ड्रेपर्स लॉ पढ़ा था और दूसरा पढ़ा था आपका स्टार का आइंस्टीन्स लॉ, ठीक है? ग्रेथर्स ड्रॉपर्स लॉ क्या कहता था आपका कि जो लाइट होती है जो सैंपल पे पड़ती है वो सारी की सारी क्या करती है केमिकल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, ओनली दैट फ्रैक्शन ऑफ लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल चेंज विच इज एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा वही क्या होता है आपका फोटोकेमिकल चेंज या जो भी केमिकल चेंज है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल चेंज, ठीक है? इसके अलावा एक लॉ और पढ़ा था हमने, कौन सा, सेकेंड लॉ, उसमें क्या कहता था आपका स्टार का आइंस्टीन्स लॉ क्या कहता है आपका कि एक क्या बोलते हैं आपका एक मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए कितने की एक क्वांटा की ज़रूरत होती है, ठीक है? ठीक, तो क्या होता है आपका जब हम एक मॉलिक्यूल को रेडिएट करते हैं तो हमें एक क्वांटा की ज़रूरत होती है, इट मींस यदि एक्स मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे तो उनको एक्टिवेट करने के लिए कितने क्वांटा की ज़रूरत होगी एक्स की, ठीक? लेकिन क्वांटम यील्ड अलग थ्योरी कह रहा है, क्वांटम यील्ड कह रहा है कि वो तो 10^6 भी है और 10^-2 लो भी है, इट मींस ये क्या करता है आपका जो यहाँ पर हमें दिख रहा है क्वांटम यील्ड के थ्रू जो हमें फोटोकेमिकल का जो सेकंड लॉ है उसका यहाँ पर हमें वो दिख रहा है वहाँ से डेविएट कर जा रहा है, समझ पा रहा? अपोजिट बात हो रही है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक फोटोन कई मॉलिक्यूल्स को भी एक्टिवेट कर सकता है, जो यहाँ पर 10^6 यील्ड का मतलब क्या हुआ आपका नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ एब्जॉर्ब फोटॉन्स बहुत ही कम है, ठीक है? तो क्वांटा बहुत ही कम है, इट मींस क्या हो रहा है आपका और हमने जब सेकेंड लॉ पढ़ा था वहाँ हमने पढ़ा था कि एक मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए एक क्वांटा की ज़रूरत है, तो ये जस्ट क्या करता है आपका अपोजिट बात कर रहा है जो कि हमने क्या पढ़ा था आपका स्टार्क आइंस्टीन्स लॉ पढ़ा था, ठीक है? अब इसमें आगे ये ठीक कुछ एग्जांपल दिए हैं जिसमें कि क्या आपका क्वांटम यील्ड 1 से ज़्यादा है,
कुछ है जिसमें कि क्वेंटम यील्ड बहुत स्मॉल है, 1, 2, 3, 4 सो ऑन है, और कुछ है जिसमें क्या होती है 1 से हाई होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्वेंटम यील्ड है आपका लेस देन 1, जब क्या होता है मैलिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, फ्यूमेरिक एसिड। आप जानते ही हैं कि मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड्स आर आइसोमर, ठीक है। मैलिक एसिड में क्या होता है आपका सेम ग्रुप इन द सेम साइड, मीन्स दिस इज अ सिस फॉर्म, एंड फ्यूमेरिक एसिड जब क्या होता है आपका COOH ग्रुप क्या होता है अपोजिट साइड्स होते हैं, ठीक है, दैट इज फ्यूमेरिक एसिड। तो जब मैलिक एसिड कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में, इन दैट केस क्वेंटम यील्ड इज वेरी लो, मीन्स लेस देन 1। इट मीन्स क्या हुआ आपका फोटोन ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहे हैं और रिएक्ट कम कर रहे हैं। लेस देन 1 होने का मतलब क्या हुआ आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स तो ज़्यादा, क्योंकि नीचे का बढ़ रहा है, ठीक है, फोटॉन्स ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहे हैं और वो कम। सेकेंड है आपका डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया जब डिसोशिएट होती है या एसीटोन डिसोशिएट होता है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिसोशिएट होती है, तो इन दैट केस क्वेंटम यील्ड फिर से क्या होती है आपकी 1 से कम होती है। अब कुछ एग्जांपल जिसमें क्या होता है क्वेंटम यील्ड इंटीग्रल नंबर 1, 2, 3 स्मॉल है काफ़ी, वो है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ H2S, ऑक्सीजन एंड HBr। इनका यदि डिकम्पोजिशन होता है, ऑक्सीजन का डिकम्पोजिशन हो या H2S का डिकम्पोजिशन हो या HBr का एडिशन हो, डिकम्पोजिशन हो, तो इसमें भी क्वेंटम यील्ड क्या होती है 1, 2, 3 इस तरीके के स्मॉल इंटीग्रल नंबर है, ठीक। और हाई कब होती है, हाई तब होती है फॉर एग्जाम्पल H2+Cl2=2HCl, तो ये क्या होती है आपकी वेरी हाई क्वेंटम यील्ड होती है इस केस में, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल थे जिसमें क्या होती है क्वेंटम यील्ड कैसी होती है, ये हमें मालूम होना चाहिए। अब क्या होता है आपका अकॉर्डिंग टू बोर्डेनस्टीन, ठीक है, बोर्डेनस्टीन के अकॉर्डिंग रीजन फॉर वेरिएशन इन द क्वेंटम यील्ड फ्रॉम द यूनिटी मतलब सिंगल टू मतलब इन 10^6 और 10^3 10^4, तो इसके लिए क्या होता है आपका टू डिफरेंट टाइप की प्रोसेस होती है। उसको कैसे एक्सप्लेन किया है कि क्यों क्वांटम यील्ड बहुत कम है या ज़्यादा है, इसके लिए बोर्डेनस्टीन ने जो रीज़न दिया है वो क्या बताया आपका कि जो भी केमिकल फोटोकेमिकल प्रोसेस होती है वो दो प्रोसेस से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट वन इज़ नोन एज प्राइमरी प्रोसेस, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज लाइट। ये किसके थ्रू होती है आपकी, लाइट के थ्रू या क्वांटा के थ्रू, ठीक है। तो जो प्राइमरी प्रोसेस होती है वो क्या होती है आपकी, जब लाइट एब्जॉर्ब की जाती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्राइमरी प्रोसेस क्वांटम ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल, ठीक। सपोज एक मॉलिक्यूल है ए, ठीक, वो क्या कर रहा है आपका एच न्यू मीन्स क्वांटा को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या होगा जब लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो जाएगा, तो इट मीन्स ए कन्वर्टेड इंटू ए एक्साइटेड, ठीक है। इसके बाद क्या होता है आपका द मॉलिक्यूल विच एब्जॉर्ब रेडिएशन मे बी डे तो डिसोशिएट भी हो सकता है, ठीक, टू गिव अ एटम्स, डिसोशिएट होकर क्या कर बना सकता है एटम्स बना सकता है या क्या बना सकता है आपका फ्री रेडिकल बना सकता है, ठीक है, या क्या भी होता है आपका वाइब्रेशनल एनर्जी का लॉस भी हो सकता है। कैसे, माना एक मॉलिक्यूल एक्साइट हुआ, वो दूसरे से कोलाइट कर गया, उसमें कोलिजन हो गया, तो उसने अपनी एनर्जी लॉस कर दी, ठीक। तो इसकी एनर्जी क्या हो गया, जो एक्टिवेट था फिर से वो इनएक्टिवेट हो गया, डीएक्टिवेट हो गया, या क्या हो सकता है फ्लोरिसेंस की प्रोसेस हो सकती है, मीन्स फिर एक्साइटेड स्टेट से फिर कहाँ जाएगा आपका ग्राउंड स्टेट में, या फॉस्फोरिसेंस भी हो सकता है, क्या होगा आपका ट्रिपलेट स्टेट से कहाँ जाएगा ग्राउंड स्टेट में, समझ में आ रहा। तो क्या होता है जो प्राइमरी प्रोसेस होती है दैट इज अ लाइट प्रोसेस, ठीक, और क्या होता है आपका लाइट मीन्स क्वांटा एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक हो गया। सेकेंड समझ में आ गया, सेकेंड है आपका सेकेंडरी प्रोसेस। ये कैसे प्रोसेस होती है, सेकेंडरी प्रोसेस इज अ डार्क प्रोसेस, ठीक, इन विच क्या होता है आपका एक्साइटेड एटम और मॉलिक्यूल और फ्री रेडिकल जो हो रहा है जो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द प्राइमरी स्टेट, जो यहाँ पर कोई एक्साइटेड स्टेट में जो प्राइमरी स्टेट में जो ये बन रहे हैं वो क्या करता है रिएक्ट करता है और वो क्या करता है आपका जो भी आपका प्रोडक्ट है वो बनाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन दे रहे हैं, ये है आपका देखो Cl2, हमने क्या करा इसमें एच न्यू डाला, सॉरी यहाँ एच न्यू मिसिंग है, एच न्यू, तो क्या होता है आपका Cl2 यू नो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। तो क्या होगा एच न्यू डालने पर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया क्लोरीन रेडिकल प्लस क्लोरीन रेडिकल, सो बट डज मीन इट मीन ये कौन सी प्रोसेस हो गई फिर आपकी प्राइमरी प्रोसेस हो गई, ठीक। इसने क्या करा फोटोन एब्जॉर्ब किया और फोटोन एब्जॉर्ब करके हमने कहा था प्राइमरी स्टेट में रेडिकल्स बन सकते हैं एटम्स बन सकते हैं, इसने रेडिकल्स जनरेट कर दिए Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, तो इट मीन्स प्राइमरी प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ आपका जो ये प्राइमरी प्रोसेस में Cl रेडिकल बना उसने किसके साथ रिएक्शन किया H2, ये कौन सी एग्जांपल है आपका H2+Cl2=2HCl, तो इसने क्या करा H2 था H सिंगल बॉन्ड H, ये Cl रेडिकल ने यहाँ से क्या लिया H रेडिकल, तो क्या बन गया HCl प्लस H रेडिकल, फिर H रेडिकल ने क्या किया फिर Cl2 के साथ रिएक्शन किया फिर क्या बन गया HCl प्लस Cl रेडिकल, समझ में आ रहा।
इसने क्या करा, फिर से सी एल सी एल टू के साथ रिएक्शन किया, एच रेडिकल कंबाइन विद सी एल रेडिकल एंड इट कन्वर्टेड इनटू एच सी एल एंड सी एल रेडिकल इज फॉर्म इन दिस रिएक्शन. तो सी एल रेडिकल एच रेडिकल अगेन ही होगा, ये सी एल रेडिकल फिर दूसरे एच टू के साथ रिएक्शन करेगा, ये एच रेडिकल फिर एच रेडिकल बनेगा, मतलब ये चेन रिएक्शन है. ठीक है, ये रिपीट होती रहेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लगते रहेंगे. तो क्या समझ में आ रहा है, फोटोन तो एक लगा, दिख रहा है यहाँ पर क्या हुआ, सी एल टू इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू सी एल रेडिकल. यहाँ पर हमें बिना फोटोन के भी रिएक्शन चल रही है. ठीक है, इट मीन्स नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड कितने हैं, वन, लेकिन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा, फिर से बनता जाएगा, फिर यहाँ पार्टिसिपेट करेगा, फिर ये बनेगा, फिर यहाँ पार्टिसिपेट बनेगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक लॉट हो जाएंगे. लास्ट में टर्मिनेशन हो जाएगा, टर्मिनेशन में कोई भी दो रेडिकल बन सकता है, क्लोरीन क्लोरीन बन जाएगा, सी एल टू बन जाएगा, एच रेडिकल बन जाएगा, एच सी एल बन जाएगा, सी एल बन जाएगा, सी एल टू बन जाएगा, एच रेडिकल सी एल रेडिकल सी एच सी एल बन जाएगा. तो ये कौन से प्रोसेस हो गए फिर आपके, टर्मिनेशन प्रोसेस हो गई. ठीक, तो दिस इज सेकेंडरी प्रोसेस. तो क्वेंटम यील्ड इसमें हमें दिख रहा है कि क्वेंटम यील्ड क्या है आपका, बहुत हाई. सम कॉजेज फॉर लो क्वेंटम यील्ड क्या है फिर आपका, लो क्वेंटम यील्ड के लिए क्या प्रॉब्लम है, देखो आपका ये मॉलिक्यूल था ए, इसने क्या लिया, एच न्यू एब्जॉर्व किया, एच मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू एच एक्साइटेड, ये एक्साइटेड एक्साइट हो गया मॉलिक्यूल. ठीक है, अब ये क्या हो सकता है, एच मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, एच जो ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो ए से किसी और से कोलाइट कर गया और ये फिर क्या हो गया, डीएक्टिवेट हो गया. ठीक, या एच रेडिकल मतलब क्या था, जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो डीएक्टिवेट हो सकता है, कैसे, उसने अपने एनर्जी दे दी इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिसेंस, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिसेंस, तो एच रेडिकल क्या हो गया आपका, डीएक्टिवेट हो गया. तो एच रेडिकल, अब जैसे सपोज आपका 50 मॉलिक्यूल्स थे, उन्होंने 50 एच न्यू एब्जॉर्ब किए. ठीक है, अब हुआ क्या, 50 मॉलिक्यूल में से 40 मॉलिक्यूल तो डीएक्टिवेट हो गए, क्यों, ड्यू टू कॉलिजन, ड्यू टू फ्लोरिसेंस, ड्यू टू फॉस्फोरिसेंस. इट मीन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ओनली 10 मॉलिक्यूल्स आर एक्टिव. तो इट मीन्स 10 मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग 10 अपॉन नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब एट पर्टिकुलर टाइम इज इक्वल टू 50. तो क्वांटम यील्ड इज वेरी लो. ठीक है, तो ये लो क्वांटम यील्ड का क्या कॉज है आपका, लो क्वांटम यील्ड का कॉज ये है कि जो मॉलिक्यूल एक्साइट होता है वो किसी तरीके से डीएक्टिवेट हो गया, बाय कॉलिजन हो गया, बाय क्या हो गया आपका, फ्लोरिसेंस हो गया, बाय फॉस्फोरिसेंस हो गया, या बाय एनी मीन वो क्या हो गया आपका, अपनी लाइट किसी को दे दे रहा है, अपनी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट निकाल दे रहा है, तो डीएक्टिवेट हो गया. इट मीन्स क्या हो गया आपका, क्वांटम यील्ड क्या हो जाती है आपकी, लो. और हाई होने का कारण है आपका, अच्छा, और हाई होने का कारण तो मैं यहाँ दिख ही रहा है कौन सी प्रोसेस है फिर आपकी, चेन रिएक्शन है. एक ही फोटोन एब्जॉर्ब हुआ और क्या हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये सेकेंडरी प्रोसेस. ठीक है, फिर यहाँ पर है आपका प्राइमरी सेकेंडरी प्रोसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. सो वी नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे आर अनेबल टू एब्जॉर्ब एच न्यू. ठीक, तो कौन है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी प्रोसेस, क्लोरोफिल. सो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब यूवी विजिबल राइट from light and converted into chlorophyll, excited chlorophyll represented by chlorophyll star. This is primary process and this chlorophyll, excited chlorophyll transfers its energy to carbon dioxide molecule and water molecule and they convert normal carbon dioxide to excited carbon dioxide and normal water to excited water. So this is also primary process. ठीक है, अब फर्दर क्या होगा, वेन दिस एक्साइटेड मॉलिक्यूल रिएक्ट विद ईच अदर एंड दे कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. सो हियर एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स आर रिएक्टिंग, सो दिस इज सेकेंडरी प्रोसेस. ठीक है, सो कन्वर्जन ऑफ दिस कंपाउंड इन दिस वन, दिस इज नोन एज सेकेंडरी प्रोसेस. ठीक है, अब तुमने थोड़ा ये पता ही है कि क्या होता है आपका जेमनोस्की डायग्राम में, नॉन रेडिएंट प्रोसेस पता ही है, रेडिएंट प्रोसेस पता ही है. अब हम पढ़ेंगे तो सेंसिटाइजेशन एंड क्वेंचिंग, जो कि हम पहले कर भी रहे थे, शायद इसी को हम आगे को पढ़ रहे थे कि सेंसिटाइजेशन क्या होता है, जो एक मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, अपनी एनर्जी को दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देता है, दैट इज़ नोन एज सेंसिटाइजेशन. ठीक है, और क्वेंचिंग मतलब क्या हुआ, कोई एक्साइटेड मॉलिक्यूल है, एक्साइटेड मॉलिक्यूल है और उसका डीएक्टिवेट होकर फिर से नॉर्मल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना, दैट इज़ नोन एज क्वेंचिंग. ठीक है, और सेंसिटाइजेशन मतलब क्या हुआ, एक एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो अपनी एनर्जी को दूसरे को ट्रांसफर कर दे रहा है, या एक्सेप्ट डोनर है किसको दे देता है आपका, एक्सेप्टर को, दैट इज नोन एज फोटो सेंसिटाइजेशन.
और क्वेंचिंग मतलब क्या हुआ, एक्साइटेड मॉलिक्यूल का डीएक्टिवेट होना, ठीक। तो एनर्जी जो ट्रांसफर करता है दैट इज सेंसिटाइजेशन, एंड जो एक्साइटेड स्पीसीज है उसका डीएक्टिवेट होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं आपका, क्वेंचिंग, ठीक। यदि हम क्या करते हैं एल्कीन को पढ़ते हैं तो एल्कीन के केस में हमें पता है कि एल्कीन में कभी भी डायरेक्ट ट्रिपलेट में ट्रांसफर नहीं होता। इन द केस ऑफ एल्कीन, एल्कीन कन्वर्टेड इंटू एक्साइटेड एल्कीन बाई फोटो सेंसिटाइजेशन प्रोसेस, ठीक है।